शिमला में मुख्यमंत्री आवास ओकओवर से लगभग 150 मीटर की दूरी पर एक पुरानी इमारत में आज सुबह करीब 4:30 बजे अचानक आग लग गई। आग की चपेट में पूरी 3 मंजिला बिल्डिंग जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग के 45 फायर फाइटर की टीम ने लगभग 2.5 घंटे में आग पर काबू पा लिया। गनीमत है कि इस पुरानी बिल्डिंग में कोई नहीं था, जिस कारण कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वहीं पूरी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे लगभग 10 लाख की संपत्ति के नुकसान का आंकलन किया गया है। मेरा नाम गोपाल दास है, मैं यहाँ माल रोड पे सब फायर ऑफिसर के पद पर तैनात हूँ। ये तकरीबन सुबह 4:36 पे हमें सूचना मिली फायर कंट्रोल रूम में कि संदीपनी साहनी की जो बिल्डिंग है, जिसमें कोई मतलब रिहायशी रहता नहीं था, तो उसमें आग लग गई है। जैसे ही हम मौके पे वहाँ पहुँचे तो तीन मंजिल मकान था, वो 3 मंजिला, तो तीनों मंजिल में चारों तरफ से आग से घिरा हुआ था। तो हमारी जो टीम थी मौके पे पहुंचे, हमारे 42 फायर फाइटर जिसमें ऑफिशियल स्टाफ भी था और 11 जो हमारे व्हीकल थे वो मौके पे पहुंचे थे। तो हमने 5 लाइनें जो है कुछ हाइडेंट से थी, 2 लाइनें हमने हाइडेंट से जोड़ी थी, 3 लाइनें हमने गाड़ियों से जोड़ी थी। तो चारों तरफ से हमने ब्रांच से उसको पाइपलाइन लगा के आग पर पानी फेंका, जिससे हमने तकरीबन दो से ढाई घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया गया है। अभी भी हमारे जवान वहाँ पर लगे हुए हैं, क्योंकि आग को उसमें से धुआं निकल रहा है। जब तक आग पूर्ण रूप से नहीं बुझ जाती तब तक हमारा क्रू वहीं पर ही तैनात रहेगा। जानमाल का कुछ सर आंकलन? इसमें जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है और माल का नुकसान है इसमें तकरीबन 10 लाख जो हमने आंका गया है, 10 लाख का आपका नुकसान है और 15 लाख का हमने सेव वहाँ पर संपत्ति जो साथ लगते पुरानी बिल्डिंग थी दो उनको सेव कर लिया है। क्या कारण माना जा रहा है सर आपका? आग का अननोन ही बता सकते हैं जी इसमें, क्योंकि वहाँ रहता तो कोई भी था नहीं, इसलिए कारण अननोन ही है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।